आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में पहली बार करीब 67,000 नए केस दर्ज हुए हैं और 942 लोगों की मौत भी हुई है। देश में इससे पहले 9 अगस्त को रिकॉर्ड 64,399 केस आए थे, लेकिन कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों से चिंता बहुत बढ़ रही है। फिलहाल देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 24 लाख के बेहद करीब पहुंच चुका है और देश में एक्टिव मरीजों की संख्या, यानी वो मरीज जिनका इलाज अभी चल रहा है, उनकी संख्या 6,53,000 के करीब है। राहत की बात यह है कि 16,94,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना से औसत रिकवरी दर 70% से ज्यादा है और इसके साथ ही देश भर में एक दिन में सबसे ज्यादा 7,33,449 टेस्ट किए गए हैं। वहीं अब तक कोरोना से 47,000 लोगों की मौत भी हो गई है। और इस खबर पर और डिटेल जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। समीर, नए रोज अब नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और अब तो 67,000 नए केस आ गए हैं पिछले 24 घंटे में। ये आंकड़े आ किधर से रहे हैं और जिधर से ये आंकड़े आ रहे हैं बढ़े हुए, वहां पर इन आंकड़ों को कम करने के लिए क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? बिल्कुल मृत्युंजय, ये आंकड़े जो लगातार बढ़ रहे हैं, ये देश में 10 बड़े राज्य ऐसे हैं जहां पर देश के 80% कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज हो रहे हैं। ज़्यादातर ये जो पॉजिटिव केसेस अब निकल के सामने आ रहे हैं ये उन 10 राज्यों से संबंधित हैं और इसी को देखते हुए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उन 10 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ अहम बैठक करी थी और जो केंद्र सरकार ने आगे का रास्ता निकाला है कोविड से निपटने के लिए, लड़ने के लिए, वो यही है कि जिन 10 राज्यों का जिक्र किया गया है, मसलन पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र, ऐसे 10 राज्यों का जो सूची बकायदा बनी हुई है, इन राज्यों में जो टेस्टिंग का दायरा है इसको ज़बरदस्त तरीके से आगे लेकर के जाना है। यानी कि फिलहाल जो रोज़ाना टेस्टिंग का जो फिगर है तकरीबन 7.5 लाख का, इसको और आगे लेकर के जाना है और जो केंद्र सरकार की नीति है वो यही है कि टेस्टिंग का चूंकि दायरा बढ़ेगा तो असल स्थिति क्या है, यानी कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, एक तो वो पता चल पाएगी, दूसरा कि ट्रीटमेंट के लिए भी ये सरकार को पता चल पाएगा, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को, कि ट्रीटमेंट के लिए और क्या कुछ किया जाना बाकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्या कुछ सुधार करना है। तो आपको बता दें कि टेस्टिंग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। पहले जो टेस्टिंग एक दिन में कुछ हजारों तक सीमित थी, वो बढ़ते बढ़ते 7.5 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। कम से कम ये एक अच्छी खबर इस लिहाज से कही जा सकती है कि जो फाइटिंग स्पिरिट है वो उसमें हम देख रहे हैं कि सरकार कदम उठा रही है। लेकिन जितना टेस्टिंग का दायरा बढ़ रहा है उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव केसेस भी निकल के आ रहे हैं और उससे भी गंभीर बात यह है कि अब ये जो पॉजिटिव केसेस हैं ये बड़े महानगरों में, जैसे कि दिल्ली मुंबई जैसे राज्यों में नहीं है या शहरों में नहीं है, बल्कि ये अब टीयर टू सिटीज़ में निकल के ज़्यादा आ रहे हैं, जो सरकार की चिंता की बहुत बड़ी वजह बन गई है। क्योंकि जिन 10 राज्यों का हम जिक्र कर रहे हैं, आपको दोबारा बता दें मृत्युंजय, इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक या गुजरात जो है, वहाँ पर टीयर टू यानी कि छोटे शहरों में कोरोना का जो आतंक है, कोरोना के जो पैर पसारने की जो गति है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गई है। यही वजह है कि सरकार अब जो नई स्ट्रेटजी के तहत काम कर रही है वो यही है कि इन राज्यों में जो टेस्टिंग का दायरा है उसको ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाना है और जो होम आइसोलेशन या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की बात कही जा रही है उसको भी और तेज़ करने की बात इस फिलहाल इन बढ़ते हुए आंकड़ों के बीच में लगभग स्पष्ट हो रही है। जी मृत्युंजय,